जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा माता झांकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता झांकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजा धारी माथे सिंदूर सोहे मूशी की सवारी एक दंत दयावंत चार भुजा धारी माथे सिंदूर सोहे मूशी की सवारी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड़ुवन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जती पार्वती पिता महादेवा माता झांकी पार्वती पिता महादेवा। तो नमस्कार दोस्तों, एबी डिजिटल चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं असित भट्ट। दोस्तों आज का वीडियो जो है गणेश वंदना के ऊपर है। आप सभी जानते हैं कि गणेश वंदना जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर गाई जाती है, बजाई जाती है, खास करके जब गणेश जी का उत्सव आता है, महोत्सव आता है, तभी तो महाराष्ट्र के अंदर तो और बंबई के अंदर तो एक एक घर के अंदर गणेश जी का स्थापन होता है और ये जो गणेश जी की वंदना है वो गाई जाती है और बजाई जाती है। तो दोस्तों ये जो गणेश वंदना है वो बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब और बहुत ही प्यारी है ना। आप सभी उसको गाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर ये जो गणेश वंदना है उसका पूरा ट्यूटोरियल हम रखने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ये जो गणेश वंदना है उसको कौन से सुर लगते हैं, कौन सी रिदम बैठती है और इसके अंदर कौन से नोटेशन बैठते हैं, वो सभी ये वीडियो के अंदर मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारी चैनल पर ऐसे ही ऐसे धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियोस आते रहते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो गणेश वंदना है कुल 7 स्वरों के अंदर बैठती है और ये जो गणेश वंदना है वो हमारे गुजरात के अंदर डांडिया रिधम पर बसती है। बाकी सब सिटी में और हिंदुस्तान के अंदर ये कहरवा पर बसती है, लेकिन हमारे गुजरात के अंदर जो डांडिया रिदम है वो बहुत ही प्यारी रिदम होती है और उसके ऊपर जो ये गणेश वंदना है उसको बिठाया जाता है। ये गणेश वंदना का कुल 7 स्वर होते हैं और ये गणेश वंदना के अंदर जो म लगता है, अंतरों में जो म लगता है वो तीव्र म है, यही इसकी खासियत है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। चार भुजा, चार भुजा धारी, ये जो है एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, इसमें जो चार भुजा है ना, चार भुजा धारी, चार भुजा धारी, चार भुजा धारी, तो ये जो म है तीव्र म वो इसकी खूबसूरती को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, आप इतना ध्यान रखिएगा। बाकी जो ये जो गणेश वंदना है उसमें 7 स्वर लगते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो 7 स्वर कौन से है, राइट ना। नी सा रे गा मा मा पा, नी सा रे गा मा मा पा,
ये जो सात सुर है इसके अंदर लगते हैं। ये जो गणेश वंदना है उसको सुर के साथ कैसे गाया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। आप स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा क्योंकि स्क्रीन पर जो है सभी नोट्स जो है वो लिख के आने वाली है, राइट ना। इस तरह है उसका जो मुखड़ा है वो इस तरह है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा है ना। ये था इसका मुखड़ा और इसका अंतरो हम देख लेते हैं। वैसे एक अंतरो आप सीख लेते हो तो बाकी का जो सभी अंतरा है वो आप बजा सकते हो और गा सकते हो, राइट ना। तो उसका अंतरो इस टाइप है। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी एक दंत दयावंत चार भुजा धारी माथे सिंदूर सोहे मूसिकी सवारी माथे सिंदूर सोहे मूसिकी सवारी पान चढ़े फूल चढ़े अने चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े अने चढ़े लडुअन का भोग लगे संत करे सेवा। तो इस तरह था सुरों के साथ इसका गायन। अब मैं जो गणेश वंदना है उसको रिदम के साथ आपको कीबोर्ड पर प्ले करके दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा क्योंकि स्क्रीन पर जो है तमाम जो इसके नोट्स है वो लिख के आने वाले हैं। मैं आप सभी को बार बार बोलता हूँ कि स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो चीज़ आप नोटेशन से सीख सकते हैं वो देख के नहीं सीख सकते। अगर आपके पास नोटेशन है तो आप उसको बजा सकते हो और गा भी सकते हो, राइट ना। तो चलिए दोस्तों रिदम के साथ इसको बजा के देखते हैं, है ना। तो बस दोस्तों ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको जो ये गणेश वंदना पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरिया।